आपके साथ अमनदीप, चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। सुकमा जिले में रविवार को नक्सलियों के लगाए गए आईडी को डिफ्यूज करते वक्त धमाका हो गया। इस दौरान सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। दरअसल अर्धसैनिक बल के जवानों को सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का लगाया आईडी दिखाई दिया था। जब वो इसे डिफ्यूज करने में लगे हुए थे, तभी जमीन के नीचे रखा ये विस्फोटक अचानक फट गया, जिसमें कोबरा की 208वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार घायल हो गए। घायल अधिकारी को शुरू में सीआरपीएफ के किस्ताराम फील्ड अस्पताल ले जाया गया और आगे के इलाज के लिए उन्हें रायपुर भेजा गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, वाकई में बहुत दुखद खबर सामने आई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही दुखद खबर यहाँ पर सामने आई है। सुकमा के कंसाराम नाला के पास प्रेशर आईडी में चपेट आने से घायल हुए थे डिप्टी कमांडर जो विकास कुमार है, उनकी मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान 1 बजे के आसपास उनकी मौत बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें कल देर शाम रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो मतलब उनकी मौत देर रात 1 बजे के आसपास हो गई है। वो विकास कुमार कोबरा 208 के डिप्टी कमांडर थे। शहीद डिप्टी कमांडेंट को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भी रामकृष्ण में रवाना किया जाएगा। जी सुप्रिया, जिस तरह से हम देखते हैं कि आए दिन आईडी बम बरामद होते हैं या फिर कुकर बम भी कई जगह पर बरामद किए जाते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार इस तरह के जो हादसे हैं वो घटते हैं। जी बिल्कुल, अगर जवानों के शहीद की बात, जवान यदि हमारे शहीद होते हैं तो उसके लिए हम गृह मंत्री से भी इस बारे में अगर सवाल करते हैं, तो गृह मंत्री का ये कहना है कि लगातार नक्सलियों के खात्मे का अभियान जारी है, जिस वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में वो ऐसे कदम उठाते हैं। वो आईडी ब्लास्ट करते हैं और इसके साथ वो हमला भी करते हैं, ताकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रदेश में सक्रिय हैं, और इसी वजह से हम अपने एक जवान को खो देते हैं। इससे पहले भी एक जवान की मौत हुई थी, तो लगातार यहाँ पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी जारी है। और इसके लिए गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि जो नक्सली है वो बौखलाहट में ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे नक्सली है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, कई नक्सली मारे गए हैं, कई नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों के कैंप को भी ध्वस्त किया जा रहा है, जिस वजह से नक्सली बौखलाहट इस तरह के कदम उठाते हैं। चलिए सुप्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।